अस्सलाम वालेकुम। हाय एक्सपर्ट्स, क्या हाल है? मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शब्बीर शायर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपने हवावे के राउटर की पासवर्ड की सेटिंग चेंज करनी है, मतलब पासवर्ड चेंज करना है या SSID नेम चेंज करना है, तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपको SSID आपको दिखाता हूँ। आपके पास ये जैसे मेरे पास कनेक्ट है, आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए लाजमी, आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। आप अगर इस पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप इसकी सेटिंग में जाके इसे कन्फिगर नहीं कर पाएंगे, मतलब पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे कनेक्ट हैं, सबसे पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, पासवर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना, आपको चाहिए होता है डिफ़ॉल्ट IP, राउटर का IP चाहिए होता है। वैसे तो नॉर्मली आपके राउटर्स की सेटिंग्स के पीछे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ अगर आप उसकी सेटिंग पीछे से देखें तो कुछ इस तरह के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उसके ऊपर होती हैं, तो ठीक है। कुछ लोग इसे वैसे भी चेंज कर सकते हैं, मैनुअली अंदर से राउटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज की होती है तो क्या होता है, आपके पास एक IP होना ज़रूरी है, जिस नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट हैं उस नेटवर्क का आपके पास डिफ़ॉल्ट IP होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट IP करने के निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आपने क्या करना है, CMD कमांड प्रमोट, कमांड प्रमोट में जाने के बाद आपने क्या लिखना, IP कॉन्फिग। आपने IP कॉन्फिग लिखना तो आपके पास डिफ़ॉल्ट IP आ जाएगा। IP आपके कंप्यूटर का IP आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये आपके पास आ रहा है डिफ़ॉल्ट IP, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है। तो ये इसके साथ MAC एड्रेस की तरह आई, और ये इसका जी डिफ़ॉल्ट IP। आपने क्या करना है, इसे जस्ट कॉपी करें, इसे मैं स्किप करता हूँ और चला जाता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सॉरी ये इमोजी लग गया। ये देखिए, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ तो ये मुझे इसके पोर्टल पे लेकर चला जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा हवावे का, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास राउटर में जो राउटर की पीछे सेटिंग्स होती हैं उसके ऊपर अकाउंट का मतलब यूज़र में लिखा होता है, पासवर्ड में लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे मेरा रूट है और पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊँगा, फलां, ठीक है, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ये राउटर की सेटिंग के पीछे आपको नज़र आता होगा, ठीक है। आपने लॉगिन कर लेना है, तो ये देखें हम इसकी राउटर की सेटिंग के अंदर आ गए, इसे ओके करते हैं। राउटर की सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने WLAN के अंदर आ जाना है, ठीक है, WLAN को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये जी सेटिंग्स खोल के ओपन होके आ गई हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे राउटर की सेटिंग में HG8247H है, तो यहाँ पर वही नाम आ रहा है। आप यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर, मतलब नाम बदल सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है VPA प्री शेयर की के सामने, इसे अगर मैं यहाँ से शो करवाना चाहूँ तो इसे अनचेक करूँगा, ये यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसे बदलना चाहूँ तो मैं फलां कुछ भी लिख के इसे क्या करूँगा, जस्ट अप्लाई कर दूँगा, आपकी SSID भी चेंज हो जाएगी और पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चेंज नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने चेंज करना तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।